ओ दिशा जी, गुड इवनिंग. मैं डॉगिटाइजेशन से बोल रही हूँ. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक्स टू यू. मेरे को अभी अभी फ़ोन आया था इधर पेडिग्री के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं श्री शिव अग्रवाल जी के यहाँ से कि भोलू के लिए जो 6 डॉग फूड के पैकेट्स हैं वो उसका पेमेंट उनको मिल चुका है और वो डॉग फूड पैकेट्स कल डिलीवर करने वाले हैं. तो दिशा जी, मैं आपका ये कॉल जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं सभी फॉलोअर्स को आपका जो इनिशिएटिव है वो बताना चाहती हूँ. तो आपके नॉलेज के लिए बता रही थी कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है और मैं फॉलोअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि डेनमार्क से दिशा जी ने डॉगिटाइजेशन को संपर्क करा था जब उन्होंने भोलू का वीडियो देखा था और वो उन्होंने ये बोला कि वो भोलू का फूड ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं. तो जैसे कि सभी फॉलोअर्स जानते हैं कि मैं या डॉगिटाइजेशन किसी भी तरीके का दान नहीं लेते हैं, डोनेशंस नहीं लेते हैं, इसलिए हमने दिशा जी को पेडिग्री के डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करा दिया था और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था वो दोनों के बीच में हो गया और पैकेट अब डिलीवर होने वाला है. आप मुझे ये बताइए दिशा जी कि आपके आप ओरिजिनली कौन से शहर की हैं इंडिया से? इंडिया में मैं गुजरात से हूँ, सूरत. और कितने सालों से डेनमार्क में हैं अब आप? नियरली 11 इयर्स. और वैसे मैं नियरली 15 इयर्स से मैं बाहर हूँ. अच्छा. डेनमार्क प्रॉपरली हम 11 इयर्स से हैं. तो आप डॉगिटाइजेशन कब से फॉलो कर रही हैं पेज? तकरीबन मुझे याद नहीं कब से मैं फॉलो कर रही हूँ, बट रेगुलरली मैंने मतलब काफी टाइम से आई हैव नॉट बट काफी मतलब 5-6 महीने तो मिनिमम होगी ही हो. तो ओके ओके. तो दिशा जी, मेरे को एक क्वेश्चन जो मन में आ रहा था जब आपने मुझे भोलू के लिए संपर्क करा था कि आप जिस भी शहर से हैं, ये फॉलोअर्स के लिए भी अप्लाई होता है, कोई हो सकता है दूसरे विदेशों में भी ये हम हमारी ऑडियो सुनेंगे, तो जो जिस शहर में हैं ओरिजिनली, कोई सूरत से होगा, कोई बड़ौदा से होगा जो अमेरिका में होगा, कोई अहमदाबाद से होगा जो कनाडा में होगा, तो सभी लोग जो इंडिया के हैं और विदेशों में हैं वो अपने अपने शहर के लड्डुओं के लिए भी कर सकते थे और आप भी सूरत के लड्डुओं के लिए कर सकती थी. वो शायद हो सकता है कि आप ऑलरेडी कुछ और लड्डुओं के लिए कर रही हो, पर आपके मन में भोलू के लिए डॉग फूड ऑर्गेनाइज करने के विचार कैसे उत्पन्न हुए, थोड़ा प्लीज़ बताइए, हम क्यूरियस हैं. मोस्टली सब एनजीओज वगैरह ही होते हैं और आई डोंट नो कि मैं उनको ट्रस्ट करूं या ना करूं, बिकॉज किसी का मैंने इस तरह से कोई एनिमल्स को हेल्प करते हुए मैंने नहीं देखा है. जिस तरह से मैंने देखा है कि डॉगिटाइजेशन कर रहा है, विच इज नॉट एनी एनजीओ और इट्स जस्ट बंच ऑफ पीपल, हमारे मेरे जैसे आप जैसे लोग ही हैं जो ये कर रहे हैं जी. और मैंने देखा कि आप इतना ट्राई कर रहे हैं कि और वो भी कोई भी स्वार्थ के बगैर, आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें, आप जो कर रहे हैं उसमें जी बेसिकली. और मैंने देखा कि अगर मैं मुझे यहाँ बैठे बैठे मुझे ये लग रहा था कि शायद कॉरपोरेशन है या वो कोई हेल्प करे, बट इतने टाइम से फॉलो करने के बाद भी मुझे लगा कि आपको कोई इस तरह से हेल्प नहीं मिल रही है जिस तरह से मिलनी चाहिए जी. जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको मिलनी चाहिए, आपको मेरा मतलब है जी 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 जी. इस कैंपेन को जो आवाज है वो प्रशासन को सुननी चाहिए, प्रशासन को सुननी चाहिए वो आवाज. जी. मुझे लगता है कि वो दे हैव सम डेफिशिएंसी, उनको सुनने का कोई प्रॉब्लम लग रहा है ये जी. और हम यहाँ पे जो हमारे कम्युनिटी है इंडियंस
कम्युनिटी जो है डेनमार्क में काफी टाइम ये सब डिस्कस करते हैं. यू मीन द डेनमार्क में जो इंडियन कम्युनिटी है? जी, डेनमार्क में जो इंडियन कम्युनिटी है हमारी, साल में जब भी हम इस तरह से मिलते हैं तो कहीं पर हेल्प करने के लिए कि ओके कहीं ये फ्लड का ये सिचुएशन है, कहीं वो हो गया है, हमें हेल्प करना है, तो इस तरह से हम बातें करते हैं तब भी. जी, पर हम हेल्प भी करते हैं सब मिलके इस तरह से. जी, तो तभी भी उसमें भी ये डिस्कशन होता है कि इस समस्या का भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए. यस, बिकॉज स्वच्छता हो गई और स्वच्छता के साथ साथ शहर की सड़कों पर जो इनडायरेक्ट डॉग फीडर्स थे, जो यहाँ वहाँ खाने का निवाला फेंक देते थे, जिसका सोर्स ऑफ यू नो फूड सोर्स स्ट्रीट डॉग के लिए सिर्फ यही था, राइट? वही था. जी, तो ऐसा सोच के फिर मुझे लगा कि मैं किस तरह से अपने इनिशिएटिव मैं कर सकूं, और मुझे डॉगिस्टाइजेशन के और उसने भी जब बोलू को देखा तो मेरा जो डॉग है मुझे लगा कि जैसे वही है इंडिया में. जी जी जी. Then I thought कि let me try. I was not sure कि आपसे कांटेक्ट हो पाएगा और या नहीं, but thank you so much. थैंक यू सो मच इंदौर के, एमपी के, इंडिया के सभी डॉग लवर्स, सभी लड़कों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डेनमार्क से इतना यू नो इनिशिएटिव लेकर के लड्डू के लिए, बोलो के लिए, और इनफैक्ट बोलो के दोस्तों के लिए आप हर महीने एक डॉग फूड का पैकेट का ऑलरेडी अरेंजमेंट कर चुकी हैं कि 6 महीने के तो फूड पैकेट्स आ चुके हैं और आगे भी आप देती रहेंगी उन पर्टिकुलर पैक के लिए. तो ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा आपने एग्जांपल क्रिएट करा है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हुए इंडियंस हैं, जो कि इंडिया जो डॉग लवर्स भी हैं और जो इंडिया के डॉग्स की मदद करना चाहते हैं, वो इस तरह से आगे आकर के ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं. और आपको एक और बात मैं इस पर्टिकुलर कॉल में बता दूं, जो कल हम इस वीडियो को जब जारी करेंगे तब भी दिखाएंगे, कि हमने ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूटर है पेडिग्री के, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो भोलू के घर के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो भोलू को खाना खिलाने के लिए रोज़ सर्विंग करने के लिए वॉलंटियरली अपना समय देने वाले हैं, आकाश जी, तो आकाश जी के घर पर जब वो पैकेट डिलीवर होगा तब वो पैकेट को कैंची से काट के खोल के दिया जाएगा. उसका ये रीज़न है कि ऑलरेडी ऑल्दो आकाश जी बहुत साफ दिल के इंसान हैं, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन दान देने का सही तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिसको भी दान दिया जाए उसके मुंह में वो निवाला पहुंचे और उसका कहीं गलत रीयूज या कहीं कुछ गलत इस्तेमाल ना हो जाए. तो हम अश्योर करते हैं कि आपका भेजा हुआ एक एक डॉग फूड का जो कतरा है वो भोलू और उसके साथियों को मिलेगा, और ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करेगा कि कैसे दूसरे लोग भी इस विषय में आगे आ सकते हैं. प्लस ये मेरे ख्याल से हमारे इंदौर शहर के प्रशासन के लिए एक तमाचा रहेगा कि विदेश I was about to tell you that. Yeah. कि लोग तो आप करेंगे और करेंगे, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है. जी, स्ट्रीट डॉग जो है ये कोई पालतू नहीं, मतलब किसी के घर में नहीं रहते. जी, ये बेजुबान है, ये खुद पानी लेके नहीं पी सकते हैं, खुद खाना पका के नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर जो हमें कहता है, हमारा धर्म जो हमें सिखाता है, या हमारा संस्कार, हमारा संविधान, हाँ जी, तो ये इन लोगों को भी इनिशिएटिव, ये एनजीओस वगैरह है या प्रशासन है, जी, इन लोगों को भी ये इनिशिएटिव जो डॉगिटाइजेशन ले रहा है, ये इन लोगों को भी लेना चाहिए कि लोगों को जागृत करे. जी, कि आप इन्हें छुटकारे नहीं, इनकी हेल्प करें. जी, हमारे जैसे जीव ही है. जी, दया भाव रखें. जी जी, एग्जैक्टली. और यदि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, यदि नसबंदी पर इतनी पुरजोर लेवल पे प्रयास नहीं हो रहा है, तो फिर विदेशी डॉग्स का व्यापार बंद कर दें. व्यापार बंद करें, राइट? हाँ,
कुछ तो करे, कुछ तो डिफरेंट करे, राइट। हमारी कंट्री का डॉग इस तरीके से तिरस्कृत हो और विदेशी डॉग बड़े बड़े बंगलों में बैठे, बड़ी बड़ी कारों में घूमे, एयर कंडीशन में रहें, सर्वेंट के साथ वॉक करें, और जब वो सर्वेंट उस डॉग को वॉक कराने लेके जाता है दिशा जी, तो उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा होता है जो कि भारतीय लड्डुओं को वो सर्वेंट मारता है मारने के लिए। तो ये हमें, जब तक हम अपने देश के लड्डुओं के लिए स्वाभिमान नहीं जागृत करेंगे, तो हम अपनी भारतीय नस्ल के ऊपर भी स्वाभिमान नहीं जागृत कर पाएंगे, और हम अपने आप को हमेशा तुच्छ समझेंगे विदेशियों के सामने। सही बात है, राइट। सो वी विल कंटिन्यू टू डू गुड वर्क एंड वी विल कंटिन्यू टू सेंड यू। जी बोलिए। To help dogitization and anytime for Bolu and his friends and any kind of help if you need, just let me know. Yes, we will do that. And yes, there is whole the entire dogitization family is very happy that Bolu is not going to sleep hungry anymore. You, many thanks to Akash ji, many thanks to Pedigree ke Gaurav ji, and many thanks to Shubham ji jo Pedigree ke distributor hai, aur many thanks to Kal Bhairav Bhagwan, and hum bas yahi ummeed kar rahe hain ki hamara jo ye kumbhkaran ke jaisa soya hua prashasan hai, isko hum log sab mil kar ke utha sake. Kumbhkaran bhi 6 mahine sota tha lekin 6 mahine jaag jata tha, to ye neend kab udegi? मैम आप लोग विदेशों से थोड़ी और आवाज जोर से लगाइए, क्योंकि शायद इनको लोकल आवाज सुनाई नहीं देती जब विदेशों से आवाज आती। जी इंडिया के किसी एक शहर को रोल मॉडल बनाना है और पूरे इंडिया में ये जागरूकता लानी है। जी जी, तो इसलिए आप जो डेनमार्क से आगे आपके जो भी कनेक्शंस हैं वहाँ की भी भारतीय कम्युनिटी को बताइए कि स्वच्छता के साथ साथ लड्डू कल्याण भी बहुत जरूरी है। लड्डू कल्याण भी जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर एंटायर फैमिली एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बाय जय। तो ये थी हमारी एक बातचीत जो दिशा जानी जी के साथ हुई थी, जो डेनमार्क में है, और इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं भोलू बाबू को और आकाश जी को, और एक हम नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे और पूरी बात उस वीडियो में सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। दिशा जानी के साथ में हुआ गया ये इंटरव्यू हमें आपको सुनाना इसलिए ज़रूरी था ताकि प्रशासन ये समझ सके कि ये जब इंदौर के अंदर जब आवाज़ बताई जा रही है कि स्वच्छ शहर के अंदर सड़कों पर जब बेजुबानों के लिए भोजन नहीं है तो उसके खाने पानी की जागरूकता कौन करेगा। प्रशासन को इसी बात के लिए हमने ये वीडियो ऑडियो जारी करके बताया है। अगले वीडियो में सिखाएंगे कि दान कैसे दिया जाए और दान कैसे लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।